नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। हिंदुस्तान में राजशाही खत्म हुए भले 76 वर्ष हो गए हों, लेकिन यूपी में एक ऐसा गढ़ है जहां आज भी राजा का आदेश ही जनादेश होता है। हिंदुस्तान में एक ऐसा किला भी है जहां अब भी दरबार लगता है। राजशाही खत्म भी हो गई तो क्या हुआ, यहाँ तो वही होता है जो किला कहता है। इस किले का एक राजा भी है, लेकिन हुक्म राजकुमार का चलता है। अगर किसी ने हुक्म उदुली कर दी तो अंजाम ऐसा जिसकी कोई सीमा नहीं। कहते हैं यहाँ किला ही कोर्ट है, वही जज है और वही वकील है, और उसी की दलील चलती है। यहाँ जिसको भी इंसाफ चाहिए वो आज भी इसी दरबार में अर्जी लगाता है। यहाँ तारीख नहीं, तुरंत फैसला होता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजा का आदेश ही जनादेश, न खाता न बही, राजा जो कहे वही सही। कुंडा का दरबार, हर किसी का उद्धार। राजा का फोर्ट, प्रशासन और कोर्ट। न पुलिस न कोर्ट, फैसला ऑन स्पॉट। अगर हिंदुस्तान को आजादी 76 वर्ष पहले मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं था कि ये आजादी हर आयाम की थी। अगर नेहरूवाद ने रजवाड़ों को नेस्ते नाबूद किया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अंत था जमीन से आसमान तक फैले उसके वर्चस्व का। प्राइम टीवी पर आज कहानी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में प्रताप के गढ़ की। कभी राजे रजवाड़ों का गढ़ रहा प्रतापगढ़। यू समझ लीजिए कि प्रतापगढ़ की मिट्टी, माहौल और मिजाज के मूल में ही मनमानेपन का राज रहा। कोई कितना भी दावा कर ले कि देश से राजशाही खत्म हो गई, लेकिन इस गढ़ में आज भी एक राजकुमार का राज चलता है। कहते हैं कि यहां उसकी मर्जी के बिना ना एक पत्ता हिलता है ना ही सत्ता चलती है। रियासत उसको विरासत में मिली, लेकिन सियासत में उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर अपना वर्चस्व बना लिया। जवानी की रवानी में बदनामी या हैवानी की कहावतें तो महज एक बूंद है उस व्यक्तित्व की। राजनीति के अपराधीकरण के सबसे मजबूत किले का नाम है रघुराज प्रताप सिंह, और उसके गढ़ की जनता उसे राजा भैया कहती है। ये वही राजा भैया हैं जिसकी दास्तान दिलचस्प है, लेकिन दहशत और वहशत से भरपूर। आपको राजा भैया की दहशत भरी कहानी बताने से पहले जानते हैं भद्री रियासत के बारे में, जहां की आबो हवा में आज भी राजशाही का अल्लड़पन मौजूद है। न तारीखों का ऐलान, न न्याय में देरी। यूपी का एक ऐसा गढ़ जहां पर त्वरित न्याय मिलता है। बात करेंगे आज एक ऐसे गढ़ की प्रदेश के, वो है प्रतापगढ़, जहाँ के राजा हैं राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह। आज हम अपनी स्पेशल स्टोरी में उनके बारे में आपको बताएंगे और उनके जीवन की सारी घटनाएं बताएंगे कि वो किस तरह से राजा बने और उनका नाम रघुराज प्रताप सिंह से राजा भैया बना। एक तरफ उनकी जो इमेज है वो रॉबिन हुड की तौर पर देखी जाती है, तो कहीं ना कहीं यूपी में, यूपी सियासत में उन्हें बाहुबली का दर्जा भी कुछ जगहों से मिला है। फिलहाल आप देखिएगा हमारी खास पेशकश में किस तरह से हम राजा भैया के बारे में पूरी कहानी आपको बयां करेंगे और बताएंगे रघुराज प्रताप सिंह से राजा भैया वो कैसे बने। आजादी के वक्त देश में 562 रियासतें हुआ करती थीं। इन्हीं में से एक थी भद्री रियासत। भद्री उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में आता है और राजधानी लखनऊ से इसकी दूरी तकरीबन 150 किलोमीटर है। आजादी के बाद जब देसी रियासतों का भारत में विलय हुआ तो राजा राय बजरंग बहादुर सिंह भद्री की गद्दी पर थे। स्वतंत्रता सेनानी बजरंग बहादुर सिंह ने ही पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय की नींव रखी थी और बाद में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने। भद्री नरेश बजरंग बहादुर सिंह की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भतीजे उदय प्रताप सिंह को गोद ले लिया और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दून स्कूल से पढ़े उदय प्रताप सिंह कभी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का हिस्सा भी रहे हैं। 31 अक्टूबर
1967 को उदय प्रताप सिंह के घर बेटे का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया रघुराज प्रताप सिंह। आज ज्यादातर लोग रघुराज प्रताप सिंह को उनके असली नाम की जगह राजा भैया के नाम से जानते हैं, जो उन्हें अपने समर्थकों से मिला है। वैसे घरवाले राजा भैया को तूफान सिंह के नाम से भी पुकारते हैं। राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह नहीं चाहते थे कि उनके बेटे को कोई औपचारिक शिक्षा दी जाए या स्कूल भेजा जाए। उनका मानना था कि इससे राजा भैया कमजोर हो जाएंगे। लेकिन उनकी माँ स्कूल भेजने पर अड़ी रही और उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। घुड़सवारी और बंदूकों का शौक रखने वाले राजा भैया का ये बचपन था। बचपन में जो राजा अपने पिता से आंख नहीं मिला पाते थे, वो बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ हो बरगद का, कुंडा की रियासत में पांव हो जैसे अंगद का, राजनीति में तो राजा ऐसे आए जैसे कालीन बिछाकर बुलावा मिला हो। राजा भैया साल 1993 में पहली बार कुंडा विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे। उस वक्त उनकी उम्र महज 24 साल हुआ करती थी। इस वक्त राजा भैया को कोई खास राजनीतिक अनुभव भी नहीं था, लेकिन राजा भैया ने वो कर दिखाया जिसकी लोगों को उम्मीद भी नहीं थी। बंपर वोट से जीत हासिल और ठकुरैती को जेब में रख वो विधानसभा पहुंचे। राजा भैया से पहले कुंडा विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। साल 1962 से 1989 तक कांग्रेस के नियाज हसन लगातार इस सीट पर कब्जा जमाते आ रहे थे। राजा भैया ने ना सिर्फ उनका दबदबा खत्म किया, बल्कि तब से लगातार इस सीट से जीतते आ रहे हैं। राजा भैया ने जब पहली बार सियासत में हाथ आजमाने का फैसला किया तो उनके पिता उदय प्रताप सिंह ने साफ मना कर दिया था, लेकिन राजा भैया अपनी बात पर अड़े रहे और राजा भैया अब तक लगातार 7 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और अपनी पार्टी भी बना ली है। लेकिन पिता उदय प्रताप सिंह ने आज तक कभी भी ना तो राजा भैया के लिए वोट मांगा और ना ही उनके चुनाव प्रचार में गए। उदय प्रताप सिंह की किसी चुनावी सभा, रैली या प्रचार में राजा भैया के साथ कोई तस्वीर नहीं दिखेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उदय प्रताप सिंह कहते हैं कि उन्हें किसी के आगे हाथ जोड़ना पसंद नहीं है, इसीलिए चुनाव से दूर रहते हैं। पर्यावरण में गहरी दिलचस्पी रखने वाले राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह ने एक टीम बना रखी है जो भद्री और उसके आसपास के इलाकों में पेड़ पौधों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर नजर रखती है। यहां तक कि भद्री राजमहल के आसपास हॉर्न बजाने की भी मनाही है और राजा भैया तक भी भद्री के राजभवन में अपनी गाड़ी अंदर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि राज का दंड सबके लिए समान है और राजा का फरमान ही यहां का नियम है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। 7 बार से विधायक और एक रॉबिनहुड की छवि, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि राजा भैया बाहुबली हैं। फिलहाल आपने इस खास पेशकश में देखा कि किस तरह राजा भैया ने अपनी चुनावी सफ़र शुरू किया और लोगों के दिल में बस गए और फिलहाल अभी भी बसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यूपी की सियासत में इनका आज भी बड़ा रोल है और रहेगा और था भी। कैमरामैन दीपक के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी, लखनऊ। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।